सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक होगी, आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। हाँ जी, मई 2021 की मैगजीन रिलीज हो गई है। सर अभी तो हमें मिली नहीं, आपको आज शाम तक या कल तक आपको ये मैगजीन मिल जाएगी। और आप अपनी मेल चेक कर लेना, अगर मैगजीन आपको नहीं मिले तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपको ये मैगजीन दे देंगे। हम बात करते हैं कि मई 2021 के अंदर कौन कौन सी हमारी ड्यू डेट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, हमने इस मैगजीन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ड्यू डेट्स हैं। तो पहली ड्यू डेट्स तो हमारी आती है 28 मई को। 28 मई को किस चीज़ की ड्यू डेट है भैया? हमारी जो है IFF अगर जो हमें फाइल करना है अप्रैल महीने का, उसकी डेट को बढ़ाकर 28 मई कर दिया गया है। तो थोड़ा रिलैक्सेशन आपके पास यहाँ पर है। अब आपको जो 13 तारीख में प्रेशर था वो रिलीज हो गया है, उसकी डेट 28 तारीख हो गई है। इसके बाद बात हम करते हैं, सर क्या टैक्स डिपॉजिट नहीं करना? नहीं भैया, इस महीने तुम्हें टैक्स डिपॉजिट नहीं करना अगर आप QRMP स्कीम ले रखे हो। क्यों सर, क्यों नहीं करना? क्योंकि भैया इसकी डेट को हमने बढ़ाकर कर दिया है 9 जून 2021। 15 दिन का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। वैसे इसकी डेट थी 25 जून और इसे बढ़ाकर कर दिया 15 जून। तो टैक्स पेमेंट की इस महीने आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है। अगली बात करते हैं, अगर हमने सर QRMP स्कीम नहीं ले रखी तो भैया GSTR 1 जो आपको 11 तारीख को भरनी थी उसकी डेट को बढ़ाकर कर दिया गया है 26 मई। इसका मतलब अभी हमारे पास कोई ड्यू डेट्स नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, और सर अगर हमने 3B की बात करें तो क्या हमें 20 मई को 3B फाइल करनी है? नहीं भैया, इस महीने कोई 3B फाइल नहीं करनी। आपको किस डेट को करनी है? 4 जून को करनी है। किस डेट को करनी है? 4 जून को करनी है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो भी 19 जून को करनी है। मतलब कि मई के अंदर आपको कोई भी 3B फाइल करने की डेट नहीं आती है, यहाँ तक हमें रिलैक्सेशन है। इसके बाद बात करते हैं ITC 04। हाँ भैया, इसकी डेट जो है 31 मई है, ये आपको फाइल करनी है। तो अभी तक हमने देखा कि अभी तक 20-25 तारीख तक कोई भी ड्यू डेट्स नहीं है, हम यहाँ पर रिलैक्स मोड में रह सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं GSTR 4। हाँ भैया, GSTR 4 31 मई को फाइल करनी है। तो इसका मतलब क्या करना है, आप GSTR 4 पर फोकस कर सकते हो क्योंकि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, ना तो IFF की डेट है, ना GSTR 1 की डेट है, ना GSTR 3B की डेट है, क्योंकि सारी डेट बढ़ा दी गई है। इसके बाद 5, 6, 7, 8 कोई भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 14 ने इसकी डेट भी 31 मई को कर दिया है। सर इनकम टैक्स में क्या मैटर है? इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है, TDS की डेट नहीं बढ़ाई है। TDS और TCS को डिपॉजिट करने की डेट 7 मई है, तो आपको 7 तारीख तक यानी कल तक अपना TDS जमा करना है। इसके बाद TDS रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 मई है, और इसके अलावा जो बिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, उसकी भी डेट 31 मई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 तारीख के बाद बहुत सारी डेट हैं, जबकि 20 तारीख से पहले कोई डेट्स नहीं है। तो आपको क्या प्लान करना है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि जो डेट आपकी 20 तारीख के बाद है, 31 तारीख को है, उसका वर्क थोड़ा सा पहले कर लें। इसके बाद सर और कौन सी डेट है? भैया जी, इसके बाद और कोई ड्यू डेट्स इस मंथ के अंदर नहीं है। तो आप इन सारी डेट्स को यहाँ पर अपने सामने लगा सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, सर इस मैगजीन में आपने क्या दिया? भैया जितनी भी नोटिफिकेशन आई थी, चाहे 7 नंबर थी चाहे 8 नंबर थी, हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से मैगजीन के अंदर डाल दी है कि कब 0% लगेगा, कब 9% इंटरेस्ट लगेगा, कब 18% लगेगा, ये सारी बातें हमने इसके अंदर डाल दी है। कब तक आपको इंटरेस्ट देना है, कब लेट फीस देनी है, कब तक लेट फीस वेवर ऑफ है, ये सारी बातें हमने इसके अंदर डाल दिया है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, इस मैगजीन के अंदर हमने क्या करा है, हमने FAQ डाले हैं GST रिटर्न पर। जो आपको दिक्कत आती है ना, आपके जो सवाल होते हैं, उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है हमने इन 5 क्वेश्चंस में। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, HSN को लेकर बड़ी दिक्कत थी, तो HSN पर भी हमने इसमें एक आर्टिकल लिखा है जिससे आपकी समस्या सॉर्ट आउट
आउट हो जाएगी कैसे HSN कोड आप अपनी GSTR1 में डाले, ये बात हमने इसके अंदर लिखी है। और अगर आप बात करें इस बार की मैगजीन का अट्रैक्शन पॉइंट है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास टाइम है, तो अगर हम अपनी बैलेंस शीट को सही से फाइनल कर लेंगे तो हमने इसमें काफी सारे क्वेश्चन आंसर और काफी सारी केस स्टडी डाली है। और साथ में हमने क्या करा है कि लगभग 40 पॉइंट बनाए हैं, हमने क्या करा है 40 पॉइंट बनाए हैं जिसमें आप अपने आर्टिकल को आप अपने टीम मेंबर को ये दे सकते हो, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई बताओ ये कंप्लाइंस हुआ या नहीं हुआ, और साथ में रिमार्क भी डाल सकते हो जिससे आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही से बने। और आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर कुछ डेटों को बढ़ाया गया, टैक्स ऑडिट में क्या चीज आपको करनी है उस बारे में बताया गया, क्या रिवीजन हो सकता है या नहीं इसके बारे में बताया गया, तो इस बार की मैगजीन में हमने ये सारी चीजें दी है। हाँ जी, तो अगर आपको हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करनी है तो आप इस नंबर पर बात करके हमारी मैगजीन ले सकते हैं, ये दो हमारे नंबर है। और जिन लोगों को अभी तक मैगजीन नहीं मिली है मई की, कल तक आ जाएगी, टेंशन मत लेना। अगर आपके मेल पर नहीं आए तो आप परसों को हमारी टीम से बात कर लेना, वो आपको दे देंगी मैगजीन। और एक बात और ध्यान रखो भैया, हमारी मैगजीन आने का टाइम है 10 तारीख, तो 10 तारीख से पहले प्लीज फोन ना करा करें कि मैगजीन नहीं आई, वो तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 7 तारीख तक 8 तारीख तक मैगजीन दे दे। भैया देखो इसके अंदर हमारी पूरी एक्सपर्टाइज लगती है, सारा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम हमें दिया करो। सर इस संडे का क्या प्रोग्राम है? भैया इस संडे का प्रोग्राम तुम्हें बता दे, इस संडे हमारा GST पे वेबिनार है, टॉपिक बहुत बढ़िया लिया है इस बार। क्या टॉपिक लिया है भैया? GST असेसमेंट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, डिपार्टमेंट जो असेसमेंट कर रहा है स्क्रूटनी कर रहा है रिटर्न्स की, वो टॉपिक है। रिप्लाई कैसे करें नोटिस का, वो बात है। अपील कैसे फाइल करें, जीएसटी डिपार्टमेंट जो बातें कर रहा है ऑडिट की उन्हें कैसे हम देखें, और इसके हम सॉफ्ट कॉपी भी आपको देंगे। अगर आपको वेबिनार में एडमिशन नहीं लिया तो वेबिनार में एडमिशन जल्दी करा लेना, क्योंकि हम वेबिनार के अंदर ज़्यादा सीटें नहीं रखते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ जी, आपने हमारे चैनल को इतना बड़ा चैनल बना दिया, 135,000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करा दे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।